ओके okay. देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ एक क्या है? एक मैथमेटिकल अप्रोच है। नहीं, किसका? फोर्स के डिफिनेशन का। फोर्स क्या होता था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ यस, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, नाउ अमन टेल मी व्हाट इज मोमेंटम? अमन सिंह बेटा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, इसी टर्म को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। एक चीज जानते हो, जैसे एनर्जी को कंजर्व करते हैं, सिमिलरली हम लोग मोमेंटम को भी कंजर्व करते हैं। इज इट ओके? मोमेंटम क्यों सर? कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज करो आप दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, आपके पास क्या है? मास भी है, वेलोसिटी भी है। आप क्या करोगे? सपोज करो कि आप किसी और से टकरा जाते हो, तो आपका जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में जहाँ पे हम लोग मोमेंटम के कंजर्वेशन को डील करेंगे। इज इट ओके? अभी बस इतना समझो कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? इज इट ओके? यस सर। अब यहां से हम लोग क्या डिराइव किए थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, अब ये बताओ ये कौन सा फोर्स है? सिंगल फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है? सर क्या ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? एफ नेट है या कोई सिंगल फोर्स है? ये कौन सा सर फोर्स है? सिंगल नहीं, ये एफ नेट है। इज इट क्लियर? सपोज करो कोई और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। मान लो वो फोर्स एफ वन है और एक फोर्स एफ टू है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है? अब बताओ इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या होगा? सर अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है तो बिल्कुल भी नहीं जीरो। मैंने बोला ही नहीं इक्वल है। अगर इक्वल होता तो मैं बोलता एफ, इधर भी एफ लिखता, इधर भी एफ लिखता, इधर एफ वन लिखा हूं, इधर एफ टू लिखा हूं, इसका मतलब है दोनों फोर्स अलग अलग हैं। तो सर एफ हाँ नेट क्या ज्यादा होगा? फोर्स रहेगा वहां जाए। एफ नॉट क्या हुआ? अब एक चीज बताओ, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? अब ये बताओ एफ वन पॉजिटिव होगा या एफ टू पॉजिटिव होगा? F1 हाँ, F1 सर क्यों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरफ है। देखो एक चीज जानते हो, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ना, एफ नेट का भी उसी साइड डायरेक्शन होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों होती है? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता क्यों है? व्हाई एक्सेलरेशन इज कॉज्ड? सर वेरिएबल वेलोसिटी नो, एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स जो कि हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं। अगर एफ फोर्स नेट अगर जीरो है, इक्विवेलेंट फोर्स अगर जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो था। यहां पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ एफ नेट। इज दिस क्लियर? यस सर। अब ये बताओ कि एफ नेट बराबर होता क्या है? तो देखो हमेशा याद रखना,
जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा उधर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि अब देखो यहां पे एफ नेट क्या होगा, एफ वन माइनस एफ टू होगा ना। हाँ जी, एक चीज जानते हो, अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हो ना तो तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो दोनों चीज को करके देखते हैं कैसे होता है। अब यहां देखो F net, हम यहां पे क्या है, F1 is greater than F2, it is clear? क्यों? क्योंकि acceleration क्या हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ F1 हो रहा है, जिधर F1 फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में acceleration हो रहा है। इसलिए इसका मतलब क्या है, F1 फोर्स जो है वो F2 फोर्स से बड़ा है, is this clear? Yes, sir. अमन, आदित्य, आफरीन, उत्कर्ष, यस सर, क्लियर। ये चीज समझ में आया? यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे सेकेंड लॉ से क्या होगा, एफ नेट दैट इज एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम ए होगा। अब चलो मैं एक चीज करता हूं कि इसको पॉजिटिव ना लेके हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखो एफ नेट बराबर क्या होगा, पॉजिटिव क्या है, हमने किसको पॉजिटिव लिया है, एफ टू को पॉजिटिव लिया है और एफ वन को नेगेटिव लिया है, क्या होगा एफ टू माइनस एफ वन होगा या नहीं होगा? लेकिन देखो ये तो कन्फर्म है ना कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब है कि F1 फोर्स हमेशा बड़ा होगा F2 का, तभी तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? सर नहीं आया, समझा सर। चलो एक रोप है, ठीक है, मान लो स्लोक, इधर से स्लोक इस रोप को पकड़ के अपने ओर खींच रहा है, और अमन, सपोज करो अमन क्या कर रहा है, इस रोप को पकड़ के अपने ओर खींच रहा है, और मानो ये एक पॉइंट है, अभी ये सेंटर पे है। हमको ये बताओ अगर स्लोक अमन से ज्यादा स्ट्रांग है तो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, हु विल एक्सर्ट स्लोक, तो स्लोक क्या लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब ये बताओ ये जो पॉइंट देख रहे हो ये स्लोक की ओर मूव करेगा या अमन की ओर, राइट साइड होगा, राइट साइड, दैट मीन स्लोक की ओर मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का जो मोशन किधर हुआ, जिधर का फोर्स स्ट्रॉन्ग था, इज दिस क्लियर? यस सर। तो सिमिलरली मोशन क्या करता है, एक्सीलरेशन को कॉज करता है, क्योंकि जब मोशन होगा क्या होगा, वेलोसिटी आएगी, जब वेलोसिटी आएगी तो एक्सीलरेशन आएगी, इज दिस ओके? तो yes, क्या यहां पे जो है अगर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है इसका मतलब है कि F1 is greater than F2, is this clear? हाँ सर। तो क्या ये टर्म नेगेटिव आएगा? हाँ सर। आएगा ना? अब ये टर्म नेगेटिव आने का मतलब क्या है? F2 माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम ए, यही तो इसका मतलब है ना। अब ये टर्म नेगेटिव आएगा मतलब क्या, अब देखो मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मास कभी नेगेटिव होगा नहीं सर,
क्या होगा एसेलेरेशन, मतलब क्या हम जो ये एज्यूम किए कि मेरा एसेलेरेशन इधर है वो क्या होंगे अपोजिट होंगे, ठीक है, इट इज क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट का जिधर मोशन होगा उधर का फोर्स क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जिधर एसेलेरेशन होगा उधर का फोर्स क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। हम अपने मैथ को इजी बनाने के लिए उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तुम ले सकते हो नेगेटिव को भी लोगे पॉजिटिव भी लोगे, किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ऑटोमेटिक आपको वो चीज नेगेटिव आ जाएगी। इज इट क्लियर? चल आई रेज इट। तो यहां से हमें सिर्फ अभी क्या समझना है, सिर्फ एक पॉइंट समझ में आया होगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा एफ नेट का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। Shall I raise it? Yes, sir. अब चलो कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल को देखते हैं और उस पर अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को, ठीक है? चलो अब फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये सरफेस है और अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पे एज्यूम करके चलेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। इज इट ओके? फ्रिक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इज इट ओके? सपोज करो इसका मास एम है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस फोर्स के कारण एफ फोर्स के कारण इस मास एम का एक्सेलरेशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके? अब बताओ यहां पे इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ए। बताओ सर, पॉजिटिव आएगा, क्या होगा? बी फास्ट, अमन, आदित्य, उत्कर्ष, सर हमें ही रहेगा। बेटा मैं पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? सर फोर्स बाय मास। यस, फोर्स अपॉन मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एफ बी डी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम याद रखना, जब भी हम लोग एफ बी डी को ड्रॉ करते हैं हम लोग जो है मास को एक पॉइंट मास एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? तो अब देखो इस मास पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, दूसरा क्या लगेगा, एम जी, दैट इज द वेट ऑफ दिस फोर्स। यस सर। और वेट का हमेशा डायरेक्शन कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तीसरा कौन सा फोर्स लगेगा सर, नॉर्मल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ क्या इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है? सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है। क्या इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है? सर वेट हो रहा है ना। उत्कर्ष,
उत्कर्ष यस सर बेटा पार्टिसिपेट करो तब समझ में आएगा सिर्फ मैं एक को नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग सब पढ़ रहे हो ना आफरीन है ही नहीं आफरीन चली गई अमन ये बताओ इसका वर्टिकल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा हाँ सर बेटा एक्सेलरेशन किधर होगा सर नीचे हॉरिजॉन्टल में होगा वर्टिकल में होगा नो सर नहीं होगा हाँ कौन बोल रहा था आदित्य सर मैं बेटा स्लोग एक चीज बताओ ये मास ग्राउंड के अंदर चला जाएगा क्या सर जी लग रहा है ना उसमें जी क्यों लग रहा है देखो वो वेट के कारण लग रहा है वो दो मास है जिसके बीच में क्या होते हैं सेंटर ऑफ सेंटर के अबाउट अट्रैक्ट होता है इस कारण से ये जी है ठीक है ओके सर इसका एक्सेलरेशन नहीं एग्जर्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कब होगा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में सर मोशन में सर कहा मोशन मोशन में क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में है नहीं सर फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहां से होगी सर मैं जी मान चल रहा था नहीं नहीं बेटा ये जी क्या है ये वेट के कारण है Is it okay? Yes, sir. तो अब बताओ नेट फोर्स एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन किसके बराबर होगा सर जीरो यस वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा जीरो के बराबर होगा अब क्या करो किसी को ऊपर को पॉजिटिव ले लो नीचे को नेगेटिव ले लो ठीक है क्या हो जाएगा ये n है नॉर्मल जो कि इस ऑब्जेक्ट पे सरफेस के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है यहाँ पे क्या होगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होंगे एम जी के बराबर होंगे इज दिस क्लियर अच्छा अमन समझ में आया मत बोलो यार मुझे क्या पहले म्यूट कर लो फिर बोलोगे ना सर यस सर अगर हम लोग साइन को चेंज कर देंगे तभी सेम रिजल्ट आएगा कर दो इधर नीचे पॉजिटिव कर दो ऊपर नेगेटिव कर दो क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस एम जी बराबर जीरो होगा यहां से एम जी बराबर क्या होगा एन होगा कोई फर्क पड़ा नो सर नहीं सर हाँ लेकिन एक चीज याद रखना अगर एक सिस्टम में ऊपर को पॉजिटिव लियो नीचे को नेगेटिव लियो तो हमेशा इसी चीज को एप्लीकेबल करना ये नहीं कि दो फोर्स के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव फिर तीसरे फोर्स के लिए चेंज कर दें ऐसा नहीं होगा अगर क्या एक सिस्टम नहीं समझे अगर आप एक सिस्टम के लिए ऊपर को पॉजिटिव लियो और नीचे को नेगेटिव तो उसपे जितना भी फोर्स लगेगा इसी चीज को अप्लाई करना इज दिस क्लियर सर मैं क्या बोल रहा हूं मानो ये एक सिस्टम है ना तो इस सिस्टम के लिए अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव ले रहा हूं और नीचे को नेगेटिव ले रहा हूं हमेशा इस सिस्टम के लिए हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे ना कि ये ना करेंगे कि दो फोर्स के लिए ये चीज करें और तीसरा फोर्स के लिए मानो इस तरह से यहाँ पे F1 है F2 है F3 है F4 है अब देखो यहाँ पे ये जो है मान लो इस F1 और F3 के लिए हम लोग ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं
और नीचे को नेगेटिव ले लेते हैं, और इसके लिए ऊपर को नेगेटिव ले ले, नीचे को पॉजिटिव ले ले, ऐसा करना गलत है। अगर हमें ऊपर को पॉजिटिव लिया हो तो सारे फोर्स में ऊपर क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अब समझ में आई? हाँ सर। चलो अब मैं बताने क्या जा रहा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस सर। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होंगे? नहीं सर। नहीं, क्या करेगा, सेकेंड लॉ प्रिवेल करेगा। और सेकेंड लॉ क्या बोलेगा, किस एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, और कोई दूसरा फोर्स है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नो सर। नो सर, नहीं है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो अब एक और सिस्टम लेते हैं। सर्टिकल के साथ करेंगे तो अलग आते हैं। क्या चीज? सिस्टम के बगैर पार्टिकल के साथ करें तो अलग है। पार्टिकल पढ़ना ही नहीं बेटा, पार्टिकल कहाँ से करोगे? पार्टिकल के लिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करना होगा, फिर इंटीग्रेशन, एक पार्टिकल पे फोर्स देखो फिर उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, हम लोग सिस्टम को ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटरनल फोर्स के बारे में स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ओके सर। तब क्या करने का, सबसे पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाओ जिससे ये कितने पार्टिकल से बना हुआ है इसको कैलकुलेट करो। ये पॉसिबल है, इस कितने पार्टिकल से बना हुआ है ये पता करना? नो सर। फिर एक एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो, फिर सबसे मल्टीप्लाई करो। इसलिए हम लोग सिस्टम और पार्टिकल को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हमें नॉर्मल फोर्स क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों चीज बताओ। फास्ट, चलो नॉर्मल क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप एफ बी डी। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ड्रॉ करो एफ बी डी, ड्रॉ करो। उसके बाद क्या करोगे, एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद चेक करोगे कि वर्टिकल एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन है, इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन है? नो सर। नो, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल टू जीरो होगा। हाँ सर। यस सर। अब देखो इसका एफ वी डी ड्रॉ करो, सरफेस क्या करेगा इसके ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हाँ जी, और इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक वेट होगा mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ यही दो फोर्स हैं या कोई तीसरा भी फोर्स है? ये दो ही है। चलो ये n है, इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो, क्या होगा, एन माइनस एम जी बराबर जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। यहां से एन बराबर क्या हो जाएंगे, एम जी आ जाएंगे। अमन, कोई डाउट?
देखो अमन, मैं इतना बार अमन अमन बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इज इट ओके? अब देखो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? यस सर। और किधर है? राइट सर। राइट, हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, FVD कैसे ड्रॉ करते हैं? N, Mg, ये फोर्स क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा F2, और ये फोर्स क्या होंगे? यहाँ चले जाएंगे F1, और एक्सेलरेशन कहाँ है? इस डायरेक्शन में, यही तो FVD है ना? हाँ जी। हम यहाँ नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? कहाँ पे? हॉरिजॉन्टली। नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यही तो नॉर्मल है ना बेटा? सर वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नॉर्मल कहाँ से होगा? क्या इस इधर कोई ऑब्जेक्ट से ये कांटेक्ट में है? नो सर। फिर हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल तो होगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल कब आएगा? मानो ये कोई एक मास है और यहाँ पे कोई एक दूसरा मास है, अब क्या होंगे? ए और बी तब जाके क्या होंगे? ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और बी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्ट में है, तब जाके ये नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अभी तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ टेल मी, अब देखो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। तो F net क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। F net हॉरिजॉन्टल क्या होगा? F2, अगर ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो F2 माइनस F1 होगा। यस सर। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू p by dt ma, वही p by dt ma आ गया था ना, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? f2 minus f1 upon m होगा। हाँ सर। तो देखो ये क्या है, ये नेट फोर्स है, F net upon M, is this clear? Yes sir. चलो सर। Yes सर, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो कैसे करते? सब पे आऊंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। और सर सर हाँ सर, एक साथ दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है? हो सकता है। 2D मोशन को पढ़ा था? हाँ सर। तो हम लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट चैप्टर था, वहां पे हम लोग क्या किए थे, दो डायरेक्शन में भी पढ़े थे, ठीक है, सारा चीज आएगा, ठीक है, ध्यान से रखो। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा नहीं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैं क्या किया था, कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि एक ही बार बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आ गया था, इज इट ओके? हाँ सर। वो नहीं करना चाहिए, इसे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। सपोज करो ये ब्लॉक है, इसका मास m है, और सपोज करो यहाँ पे फोर्स लग रहा है f, ठीक है, और मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। बी फास्ट करोगे या मैं करूँ? सर n तो अभी mg रहेगा। हाँ n अभी भी mg रहेगा ना सर? नहीं रहेगा बेटा, हाँ जी अमन, उत्कर्ष, आफरीन, करोगे या मैं करूं?
सर ट्राई करने दीजिए, बी फास्ट। देखो यहाँ पे सर नहीं हो रहा। हाँ बेटा बता रहा हूँ, देखो ये फोर्स एफ है, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा मैंने क्या बताया था जब मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये सब को पढ़ रहा था, कि जिसके साथ एंगल हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल हो, उसके साथ कौन सा टर्म आता है, कॉस या साइन? कॉस थीटा। कॉस क्या होगा, ये एफ कॉस 37 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन 37 डिग्री होगा। यस सर। किसी कोई डाउट? यस सर। इसके बाद क्लास भी है क्या? हाँ सर। कितने बजे से? सर 6 बजे से। चलो 6 बजे तक मैं क्लास लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। और मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तुम लोग उसको सब्सक्राइब कर लो यार। सर मैं लिया है, मैं वीडियोस भी देख रहा हूँ। कल आपने कितने सारे डाले? वो तो 12 का होगा सर, 12 का था, 8 का भी था। हाँ ठीक है, तुम लोग जो तुम लोग क्लास होगा ना वही देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, इस एफ वी डी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस मास को पॉइंट ट्रीट करेंगे। अब बताओ इस मास पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक क्या होगा, ये सरफेस और मास दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एंड बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट देयर इज अ नॉर्मल फोर्स दैट विल एग्जर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द FVD। यहाँ पे क्या होगा, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल n अपवर्ड डायरेक्शन, एक और फोर्स होगा F साइन 37 डिग्री इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स। नाउ व्हाट इज द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज ओनली वन फोर्स, दैट इज F cos 37 डिग्री। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसका FVD यही होगा ना? तो अब बताओ क्या ये मास का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? है सर। वर्टिकल डायरेक्शन में सर F sin 37। बेटा ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है क्या? फोर्स विल नॉट डिसाइड, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सर रेस्ट में। रेस्ट में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे आ रही है क्या? नहीं सर। नो सर। फिर कैसे बोलोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। क्या आपको ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ नहीं सर। जब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? इन द वर्टिकल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज when we observe the vertical direction, the object is at rest in the vertical direction. It will not move in the vertical direction. Is this clear? Yes, sir. So, if the acceleration in the vertical direction is equal to zero, then from the Newton's first law, the net force is equal to zero in the vertical direction. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now, ऊपर वाला को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाला को नेगेटिव लेते हैं, क्या हो जाएगा? N plus F sin 37 degree
माइनस एम जी बराबर जीरो. इज दिस क्लियर? यस सर. अब हमको पता क्या करना, n n बराबर क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन 37 डिग्री. कैलकुलेट कर लो. यस सर. कर लोगे कैलकुलेट? अब चलो दूसरा चीज देखते हैं. हमको n पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इन द राइट डायरेक्शन. सो हम लोग क्या करेंगे, जो राइट डायरेक्शन का जो फोर्स है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं. क्या हो जाएगा, एफ कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू एम ए. किसी कोई डाउट? क्यों एम ए क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके. अब यहां से ए बराबर क्या होगा, एफ कॉस 37 डिग्री अपॉन एम. समझ में आया? हाँ सर. अब देखो कॉस 37 डिग्री का कैसे वैल्यू पता करोगे, कुछ वैल्यू याद रखा करो. ठीक है, मानो ये 37 डिग्री है. ट्रिपलेट नाम सुने हो क्या सर? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट थ्री. यस सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. फाइव. हाँ सर. फोर. ठीक है, और अगर 53 हो तो ये होगा फोर, ये होगा फाइव, ये होगा थ्री. जब ये एंगल 53 होगा, यहां से पता कर लोगे कॉस 37 डिग्री. कॉस क्या होता है, पंडित हरी बद्री हरी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या होगा यहाँ पे, फोर अपॉन फाइव, यही होगा ना. कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, फोर अपॉन फाइव. समझ में आ गई? अगर मानो कॉस 53 का वैल्यू क्या होगा, बेस बेस अपॉन बेस क्या है, थ्री अपॉन थ्री बाई फाइव. इज दिस क्लियर? इस तरह फाइंड कर लोगे. Yes. तो 37 डिग्री का ट्रिपलेट याद रखना, 3 5 4. 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर. 5 क्या होगा, हाइपोटेनस. और बेस क्या होगा, 4. और 57 का ट्रिपलेट क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होंगे, 4. हाइपोटेनस क्या होंगे, 5. और बेस क्या होंगे, 3. इज दिस क्लियर? यस सर. यहां से वैल्यू फाइंड करके रख दोगे आ जाएगी. सर हम सिर्फ cos 37 का डालेंगे ना, f का तो मैं डालना पड़ेगा. f तो मैं बोला ही नहीं हूँ, f फोर्स पता ही नहीं है, f अननोन है, तो f ही रखोगे. ठीक है? Yes. अगर यहाँ पे देखो f का कोई वैल्यू होता फिर कैलकुलेशन करते. अभी तो f का कोई वैल्यू नहीं, तो उसको हम लोग f ही मान के चलेंगे. चलो erase this. Yes sir. एक क्वेश्चन बना के सेंड करना, उस क्वेश्चन आप लोग को भी तो बनाना चाहिए ना. मान लो इसका मास है 5 ग्राम, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. मान लो इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जा रहा है 30 डिग्री है. एक दूसरा फोर्स है मान लेते हैं इस तरह से, जो इस पे एग्जर्ट कर रहा है. इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन है. मान लो ये अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 53 डिग्री फॉर्म कर रहा है. इज इट ओके? यस सर. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फाइंड द एक्सेलरेशन, मानो इस डायरेक्शन हो रहा है. फाइंड द वैल्यू of n and a. क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर. करके लाओगे कल? सर अभी नहीं. अभी करोगे? भाई टाइम कहाँ है. ओके सर, करके देंगे. ठीक है, या करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना. ठीक है? हाँ. मैं क्या कर रहा हूँ, चलो.
एक और क्वेश्चन देखते हैं, सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। ओके आफरीन। यस सर। अमन, यार अमन क्लास करता है या नहीं? यस सर। अमन बेटा क्लास वो बहुत काम रिस्पॉन्ड करता है। हाँ बहुत कम रिस्पॉन्ड करता है। अब बताओ जब रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगी है कि नहीं? अब मैं तो भगवान हूं नहीं कि मैं कैसे समझाऊं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है कि नहीं? जब तक टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना बार हो सके उतना बार डाउट पूछो, मैं उतना बार बताऊंगा। चलो अब एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पैटर्न चेंज कर रहा हूँ ठीक है, अभी तक दो पैटर्न हो गया, ये मेरा तीसरा पैटर्न है। और सर बोलते हैं कि अमन को समझ में नहीं आता है, जब तक रिस्पॉन्स करेगा नहीं तो समझ में कहां से आएगा, है ना अमन? एम वन, एम टू, और मानो इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा दोनों पे, M1 पे भी और M2 पे भी, बता दूं? देखो एक चीज बताओगे, ये जो F है इस F को देख रहे हो? हाँ हाँ सर। ये F किस पे एग्जर्ट कर रहा है, M1 या M2 या दोनों पे? M1। M1 पे, हमेशा याद रखना। तो देखो जब हम लोग M1 पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक नॉर्मल लगेगा मान लो इसको N1, और एक वेट लगेगा Mg, और कोई फोर्स लगेगा M1 पे? फोर्स। हाँ लेफ्ट साइड से जो लग रहा है। क्या चीज सर? फोर्स जो लेफ्ट साइड लग रहा है हॉरिजॉन्टली। देखो यहाँ पे, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ पे क्या है M1 M2 के कांटेक्ट में है, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाया है ना, तो एक मान लो ये N2 नॉर्मल फोर्स लग रहा किसके ऊपर, M1 पे, इट इज क्लियर। अब देखो M1 का एफ बी डी क्या होगा, N2 N1 F, एक्चुअली इसको ऐसे ड्रॉ करो ठीक है तब समझ में आएगा, N2 इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएंगे, N1 ऊपर रहेगा और Mg क्या होगा नीचे, इसके सिवा और कोई फोर्स लगेंगे? नो सर। और इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। अब एक चीज बताओ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स M1 एक्सेलरेट करेगा या M2 एक्सेलरेट करेगा या दोनों एक्सेलरेट करेगा? सर दोनों। सर दोनों। दोनों दोनों का एक्सेलरेशन ए ही रहेगा या ए चेंज कर जाएगा? ए ही रहेगा। ए ही रहेगा ठीक है, ए ही रहेगा। हाँ दोनों एक्सेलरेट करेगा और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ, चलो इस पे तो फोर्स लग रहा है एम एफ, और इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, एम1 का एक्सेलरेशन हो रहा है, इस M2 का एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? सर M1। सर M1 के कारण। M1 के किस चीज के कारण, M1 कोई फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर? सर नॉर्मल फोर्स ऑफ M1। यस यस, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फोर्स दैट इज एग्जर्टेड बाय मास 1, इट इज क्लियर? यस सर। चलो अब देखो मैं क्या करूंगा,
इसका देखो होराइजन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? हाँ सर। कहाँ है बेटा ये? तुमको मैंने बोला जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सर आई थॉट हॉरिजॉन्टली, सॉरी सर। कैसे बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है? वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो। हाँ, तो न्यूटन न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स क्या हो जाएंगे? जीरो होंगे। यस सर। अब नेट फोर्स है क्या? इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो, क्या होगा? एन वन माइनस एम जी बराबर जीरो होगा। Yes. यहां से एन वन का वैल्यू क्या होगा? एम जी। एक नॉर्मल तो पता चल गया, किसी कोई डाउट? नो सर। चलो अब बॉडी टू पे एफवीडी ड्रॉ करो, इस पे भी क्या होगा? एक नॉर्मल एग्जर्ट करेगा किसके? अर्थ के द्वारा। और इस नॉर्मल को मान लो एन डैश। Is this clear? Yes, sir. ये नॉर्मल इस नॉर्मल के बराबर होंगे क्या? Nice. अब यहाँ पे क्या होगा? एक वेट लगेगा एम जी। हाँ जी, सर हमने एन वन दोनों जगह क्यों लिया? कहाँ लिया दोनों जगह? वो n डैश है। ये n डैश है, ऊपर में देखो ना, ये ऊपर में m प्राइम है, वह m डैश n डैश है। मैं ऊपर में दिया हूँ, यहाँ पे नीचे दिया हूँ, वहाँ पे ऊपर दिया हूँ, दोनों okay, सेम नहीं लिया हूँ, ठीक है? अब देखो, जब मैं इसका FBD ड्रॉ कर रहा था, ये बॉडी इस पे इस तरह नॉर्मल लगा रहा था, अब m1 क्या करेगा? इस तरह इस पे नॉर्मल लगाएगा। हाँ जी, हाँ सर। और इसका तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, एन टू ही होगा। यस सर। क्लियर? अब देखो, मास टू का एफबीडी क्या होगा? ऊपर में एन डैश और इस डायरेक्शन में क्या होंगे? एन टू होगा। हाँ सर। और नीचे डायरेक्शन में क्या होगा? Mg, Mg होगा, ठीक है? अब इसमें देखो, इस तीन फोर्स के छोड़ के M2 पे कोई और फोर्स लगेगा? कोई और फोर्स नहीं लगेगा ना? नहीं सर, नहीं लगेगा। अब देखो, क्या M2 का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो सर। नो सर, नहीं है। तो क्या होगा? समेशन नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या हो जाएगा? ऊपर को पॉजिटिव ले लो, नीचे को नेगेटिव, क्या होंगे यहाँ पे? और इधर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होंगे? एन प्राइम माइनस एम टू जी बराबर जीरो होगा। यहाँ से n प्राइम क्या होगा? m2 g होगा। अब देखो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है। अब बताओ m1 m2 में कौन बड़ा है? m2 सो। तो क्या ये दोनों नॉर्मल सेम हुआ? यस सर। कैसे हुआ बेटा? नो सर। ये दोनों सेम कैसे हुआ? ये m1 g है, ये m2 g है और m2 बड़ा है n2 से। M2 बड़ा है M1 से, तो क्या होगा? N प्राइम बड़ा हो जाएगा N1 से। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। चलो, अब तो मुझे दोनों नॉर्मल निकल गया, किसी कोई डाउट? नो सर। अब क्या पता करना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट है ना? हाँ सर। एक्सेलरेशन कहाँ है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सर, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखो,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, एम वन के लिए, मास वन के लिए कर रहे हैं, क्या होगा एम वन ए, क्लियर? देखो ये नेट क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव, क्या होगा एफ माइनस एन टू इज इक्वल टू क्या होगा एम वन ए होगा। हाँ सर, किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके लिए लिखो, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये M2 के लिए है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो N2 बराबर क्या हो जाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर क्या होगा, MA होगा। इज दिस क्लियर? हां सर। तो यहां से N2 बराबर क्या होगा, एम टू ए होगा। यस हाँ जी, कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर, लास्ट वाला स्टेप रिपीट करिए एक बारी। इसके लिए ये जो फोर्स देख रहे हो ना, ये जो फोर्स देख रहे हो ना, यस सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, फॉर मास m2 के लिए एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। आदित्य? यस सर। m2 का भी एक्सेलरेशन है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a? हाँ सर। चलो है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एम टू ए होगा। हाँ सर। और जो एम टू पे सिर्फ एक ही फोर्स तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि एन टू है, तो एन टू बराबर एम टू ए होगा। यस सर। किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। नहीं ना। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए दो इक्वेशन आया। हाय सर। अब इस दोनों को जोड़ दो, n2 इज इक्वल टू एम टू ए होगा। सर इज इक्वल टू प्लस डाल देते हैं। हाँ, इज इक्वल जगह प्लस डाल देते हैं नीचे। हाँ हाँ, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो ये इसको इक्वेशन नंबर वन मानो, इसको इक्वेशन नंबर टू मानो, और इसको इक्वेशन नंबर वन, दोनों को जोड़ दो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम वन एम वन एम टू एम वन एम टू एम वन ए प्लस एम टू ए होगा। हाँ सर। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लो, एफ बराबर क्या होगा, ए इंटू एम वन प्लस एम टू होगा। यस सर। यहां से ए बराबर क्या होगा, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू होगा। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन पता चल गया क्या हुआ, जब दो मास एक दूसरे के कांटेक्ट में है। समझ में आया या नहीं? हाँ सर आया। यस सर। अमन? यस सर। उत्कर्ष? उत्कर्ष? यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। आफरीन? यस सर, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊं। सर पहले ही बता देते हैं। हाँ दे यार। देखो ये M1 था,
ये M2 था, इस सरफेस पे दोनों था, ठीक है, और यहां पे एक फोर्स लग रहा था F. देखो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेलरेशन पूछे, ठीक है, क्या पूछे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेलरेशन पूछे, सिर्फ और सिर्फ, अगर नॉर्मल पूछे फिर आप पुराने मेथड से जाओगे. अगर सिर्फ आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आप क्या करना, M1 और M2 को एक सिस्टम ट्रीट करना. क्या करना है, M1 M2 को एक सिस्टम ट्रीट करना. इसका मतलब क्या है कि मानो ये कोई एक M1 और प्लस M2 है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में A, ठीक है. अब बताओ क्या इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है? हाँ सर है. यस सर, कोई मतलब ही नहीं उधर से वर्टिकल डायरेक्शन से. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना इस डायरेक्शन में. यस सर. अकॉर्डिंग टू सर सेकेंड लॉ, अब इस सिस्टम पे सेकेंड लॉ अप्लाई करो, एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, एम ए. एम ए यहाँ पे ये एम कौन सा एम होगा सर, एम वन प्लस एम टू. तो एफ बराबर क्या होगा, एम वन प्लस एम टू इंटू ए होगा. यहां से a बराबर क्या हो जाएंगे, f अपॉन m1 प्लस m2 होंगे. यस सर. समझ में आया कि नहीं? यस सर. हां सर. तो सिर्फ अगर एक्सेलरेशन पूछे सिंपली क्या करना, जो फोर्स लग रहा है f नेट फोर्स निकालना इस सिस्टम के ऊपर और उसको सारे मास से डिवाइड कर देना. इज दिस क्लियर? यस सर. इससे कोई डाउट है? नो सर. अगर नॉर्मल पूछे फिर पुराने मेथड से जाना, हर एक ब्लॉक को अगर नॉर्मल पूछे आपसे तो हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक को अलग अलग एक सिस्टम ट्रीट करेंगे. इफ इफ वी वांट टू फाइंड द नॉर्मल फोर्स. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. शैल आई रेज इट? यस सर. ओके नाउ चलो बहुत जल्दी बताना है, ठीक है. 2 kg, 3 kg, 5 kg और इस पे एक फोर्स लग रही है 20 N का और इधर एक्सेलरेशन हो रहा है. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. 2 m/s². क्या किया, F बराबर एम ए, ए बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन M. F क्या यहाँ पे 20, M क्या होगा, yes, sir, 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएंगे, 10. 10? So, 10. क्या हो जाएंगे, 2 m/s. Is this clear? अगर नॉर्मल पूछ देते, अगर हम नॉर्मल पूछ देते फिर क्या करते, पुराना मेथड. पुराना मेथड क्या, हर एक ब्लॉक को अलग अलग सिस्टम ट्रीट करके उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करते. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. अब तीसरे पैटर्न को लाए या छोड़ दे सर, चौथे ना, वही चौथे को लाए या छोड़ दे, कर लेते हैं. हाँ सर, ले आइए. फोर्थ पैटर्न. आज मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. आराम आराम से पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है, ये मास M2 है, ये मास M1 है, ठीक है. सपोज करो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, और बताओ इधर एक्सेलरेशन हो रहा है. टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एक चीज,
बोथ मास आर स्मूथ इन नेचर. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज ए. सर एफ बाय एम वन प्लस एम टू ही रहेगा. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू. यही yes, sir. गलत. इस सर एम टू ऊपर है स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा और फिर हाँ, इस वर्ड को ध्यान रखो स्मूथ. स्मूथ का मतलब क्या है? अच्छा ये फोर्स गिर जाएगा क्या? हाँ ये जो फोर्स एफ है क्या ये एम टू पे लगेगा? नहीं सर. तो सर अच्छा एक चीज और बताओ, क्या एम वन जो मास एम वन है इसके द्वारा M2 पे horizontal direction में कोई normal लग रहा है? No sir. No sir. लेकिन acceleration कहाँ हो रही है? Horizontally. इसका मतलब है कि जो mass M2 है, इसका horizontal direction में acceleration क्या होंगे? Zero. Zero होंगे? Is this clear? Sir. Yes sir. या मैं फिर से बोलूँ? अमन, आफरीन, सलोक, उत्कर्ष, आदित्य, फिर से बताओ या समझ गया? समझ गया सर. चलो अब एक चीज बताओ, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ये ऑब्जेक्ट आगे चलाएगा और ये क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा. मतलब क्या? इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में. इज दिस क्लियर? यस सर. अगर इसी में मैं बोलता कि ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तब क्या होता? दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ होता बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस. इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ सर, पहले M1 का एक्सेलरेशन होगा ना? नहीं, अगर 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 ये स्मूथ नहीं होता. स्मूथ मतलब क्या? वी आर ट्रीटिंग M1 एंड M2 एज ए फ्रिक्शनलेस. ठीक है, अब देखो तब कंडीशन क्या होता है. यहाँ पे देखो, दिख रहा है ऐसा वाला दिख रहा है कंडीशन? यस सर. तो इसके ऊपर क्या करते हैं? हम ऐसे फोर्स लगाते हैं. तो ये जो है इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता? दोनों एक साथ सिस्टम होकर मूव करता जब फ्रिक्शन होता. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? स्मूथ बोला है. तो स्मूथ है तो क्या होगा? इस पे फोर्स लगेगा, ये आगे चला जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा. इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ फिर जो फोर्स M1 लग रहा था वो M2 पे लग जाएगा ना? कौन फोर्स? F M2 जब नीचे गिर जाएगा. ये फोर्स F? हाँ सर. ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ M1 पे लगेगा? ये फोर्स M1 के साथ आगे बढ़ेगा ना? यार फोर्स कैसे अलग हो जाएगा? तुम करे हो फोर्स अलग हो के M2 पे लग जाएगा. ये फोर्स M2 पे कभी लगेगा ही नहीं. तो सर M2 जब नीचे गिर जाएगा हाँ तब तो थर्ड केस जैसा हो गया ना? M1 नीचे गिरेगा तो वही केस है कि M1 को ये अपना आगे लेके चला जा रहा है फोर्स. केस यही होगा कि M1 ऐसे M2 है ना, M2 नीचे गिर जाएगा और इस तरह से बोल रहा है. हेलो सर, M1 जो है F4 से आगे बढ़ते चला जाएगा. सर हाँ सर, M2 वाला ब्लॉक M1 के आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? उसके क्या चीज आगे पीछे क्यों गिरेगा? जस्ट यहाँ पे सामने गिरेगा वर्टिकल डायरेक्शन में. सर मतलब आगे से गिरेगा कि पीछे से गिरेगा? आगे से मतलब तुम बोल रहे हो ऐसे गिरने का? सर लेफ्ट साइड से गिरेगा ना, क्योंकि हाथ से पुश कर. अरे देखो यहाँ पे दिख रहा कुछ? यस सर. सर फेड हो रहा है पर बराबर है. देखो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अभी तक गिरेगा नहीं, अभी भी नहीं गिरेगा. ये ऐसे जा रहा, अभी भी नहीं गिरेगा.
ठीक है, अभी भी नहीं गिरेगा, अब ये नीचे गिर जाएगा इस तरह से। तो मतलब लेफ्ट साइड से नीचे गिरेगा ना? हाँ, जब ये आगे निकल जाएगा, देखो सर, साइड से फोर्स लगाएंगे उस साइड से गिरेगा ना? ये क्या पूछ रहा हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। सिंपल देखो, ये चीज, एक चीज बताओ, कोई चीज रखा हुआ उसके नीचे से स्पेस हटा दो, वो कहाँ गिरेगा? सर डायरेक्टली नीचे। बस वही चीज यहाँ पे हो रहा है सर, वही कॉइन और कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल। बस 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 बस, इनर्सिया वाला कार्डबोर्ड आगे गिर दो वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब चलो, अब क्या है, M1 पे फोर्स लगेगा, F एक नॉर्मल कौन लगाएगा, अर्थ सरफेस जिसको हम लोग N1 रख देते हैं ना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, Mg, कोई और फोर्स होगा M1 के ऊपर। सर एक और नॉर्मल लगेगा ना? यस, किसके द्वारा? M2 के द्वारा, इसको लग लो N2। इट इज क्लियर? यस सर। ड्रॉ करते हैं FBD, N1 ऊपर, Mg नीचे, N2 नीचे, F इस डायरेक्शन में, और इधर क्या पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। अब बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है M1 के लिए? नहीं सर, M1 का नहीं है। नो सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर को पॉजिटिव लो, नीचे को नेगेटिव, क्या हो जाएगा, N1 माइनस M2 माइनस Mg इज इक्वल टू M1 इंटू A, सॉरी A कहाँ होगा, 0 होगा ना, ठीक है। यहाँ से N1 माइनस N2 बराबर क्या होगा, Mg होगा। अब इसके लिए देखो, M2 के लिए, M2 पे क्या लगेगा, एक वेट लगेगा Mg, दूसरा क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स जो कि N2 होगा। इट इज क्लियर? यस सर। यहाँ से N2 बराबर क्या हो जाएगा, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा M2 के ऊपर? नो सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो N2 बराबर क्या होगा, Mg होगा, ये M क्या होगा, M2g होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, N1 माइनस M2g इज इक्वल टू Mg M1g। यहाँ से N1 बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू M1 प्लस M2। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, A2 का एक्सेलरेशन है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं है ना? नाइस। नहीं है ना, इसका एक्सेलरेशन था सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, Mg माइनस N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ma होगा या नहीं होगा? सर नहीं समझे, एक बार रिपीट करिए। देखो हमने क्या किया था, ऊपर को पॉजिटिव लिया था ना, नीचे को नेगेटिव। यस सर। तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, N2 माइनस M2g होगा। यस सर। लेकिन इधर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। हाँ सर। बराबर क्या हो जाएगा, M2g होगा, M2a होगा, सॉरी M2a होगा। हाँ सर। यस सर। अब यहाँ से N2 बराबर क्या हुआ, ये जो मैंने N2 कहाँ कर लिया, ये गलत किया था। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन 0 ले रहे हो,
लेकिन M2 के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है. इज दिस क्लियर? यस सर. यस. तो यहां से N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू M2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? A प्लस G होगा. यस सर. अब यहां पे N2 रख दो, ये नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा. अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? देखो वर्टिकल डायरेक्शन में F को छोड़ के कोई दूसरा फोर्स है M1 के ऊपर? नो सर. नो सर. तो F बराबर क्या हो जाएगा? MA होगा. हां सर. जैसे यस सर. MA मतलब क्या? M1 बराबर M1 A, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. समझ में आया? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज समझ में आया. यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ए, दोनों ऐड हो रहा है. क्यों? हाँ सर, M2 के लिए. क्योंकि क्या, ऑब्जेक्ट भी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. तो आज यहीं तक रहने दे, कल हम लोग स्ट्रिंग का केस करेंगे और पुली वाला केस करेंगे. अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? यस सर. जो भी बुक होगा या जो भी आपको, आप जिस बुक को फॉलो करते हो वहां से क्या करना है,